चलिए अभी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। तो दीज आर क्वाइट सिंपल। क्या बोला था हमने, एडजेसेंट कार्बन पर ओ एच ओ एच लिंकेज हो, तो HIO4 या लेड टेट्राएसीटेट। क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होते हैं, कौन सा वाला जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर ओ एच ओ एच लगा हुआ होता है। और इसके बाद जो दो हिस्से अलग होते हैं, इनको दोनों को वो कहाँ ले जाते हैं, दैट इज जस्ट अगली ऑक्सीडेशन स्टेज पर ले जाते हैं। ठीक है, अगली ऑक्सीडेशन स्टेज जो होती है वो क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे अल्कोहल है, तो इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, एक कार्बन और एक कार्बन ये थे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन वाला कार्बन है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें इस वाले हिस्से से भी फॉर्मल्डिहाइड बनता है और इस वाले हिस्से से भी फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा है ना, बस इसको आप सिंपली वैसे भी कर सकते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होना है, ऑक्सीजन पर से हाइड्रोजन हटाते हैं और इधर सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे यहाँ सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, तो क्या बन जाएगा, दैट इज एसीटोन, और यहाँ सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड। समझ आ गई बात ये। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा, यहाँ सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। ठीक, सिंपली इसमें अब क्या है, हम बोलेंगे इसमें 1 2 3, 1 और 3 पर ओ एच है, तो क्या बोला था हमने, ये उसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ता है जहाँ एडजेसेंट कार्बन पर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हो। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो बोलेंगे लेड टेट्राएसीटेट या फिर HIO4 दोनों से रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला है, इसमें एक कार्बन पर ओ एच है और दूसरा क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है ना, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा हमने, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या बनेगा, इधर ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसका अगला ऑक्सीडेशन स्टेज इज एसिड, तो ये चला जाएगा एसिड में, और ये अल्कोहल था तो ये आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ में, तो इधर बन जाएगा एल्डिहाइड, तो यहाँ बन जाएगा इट इज एसिटिक एसिड। ठीक है ना, इसके अगले वाले में दोनों क्या है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ से भी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने से क्या बन जाएंगे यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये भी एसिड था और ये मतलब ये भी कीटोन था और ये भी कीटोन था, तो इनका अगला ऑक्सीडेशन स्टेज इज व्हाट, दैट कार्बोक्साइलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में सेवेंथ में क्या दिया, इट इज साइक्लोहेक्सेन 1,2-डायोल है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, क्या हो जाएगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ सी डबल बॉन्ड हो, ऐसे छट जाता है, पीछे कार्बन आपस में कनेक्टेड थे, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज साइक्लोहेक्सेन 1,6-डायल। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, साइक्लोब्यूटेन की रिंग थी और दोनों ओ एच ओ एच क्या है, दे आर ट्रांस टू ईच अदर। ठीक है, एक डैश पर और एक वेज पर, तो हमने क्या बोला था कि अप टू 5 कार्बन क्या होता है, साइक्लिक विसिनल डायोल्स में, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों ओ एच सेम साइड पर लगे हों, यहाँ पर ऑपोजिट साइड थे, इस वजह से क्या हो गया यहाँ पर, नो रिएक्शन। क्लियर है, इसके बाद फिर नाइन्थ वाला जो है, इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ भी ओ एच ओ एच है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, तो ये एक कार्बन वाला है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा, तो क्या बन गया, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच हटा, क्या बन गया, दैट इज साइक्लोपेंटेनोन। समझ आ गई बात ये। तो जैसा कि सिंपल, ये तो क्लास का ही थ्योरी वाले ही अपना, ईपॉक्साइड की रिंग HIO4 से क्या हो जाएगी, खुल जाती है। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा, नाइट्रोजन इनटू OH एंड OH, और इसके आगे फिर इसका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी चीज है, हम बोलते हैं इट इज एडजेसेंट कार्बन पर, ये भी क्या होता है, इट इज OH एंड COOH होता है। ठीक है, तो HIO4 इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, लेकिन इसके रिएक्शन लेड टेट्राएसीटेट से हो जाती है, ये कार्बोक्सैलिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, नाइट्रोजन टू CO2, और ये वाला जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन टू एल्डिहाइड। ठीक है ना, इसके बाद फिर
नेक्स्ट वाले में क्या था, न्यूक्लियोलाइट सी डबल बॉन्ड ओ एन सी ओ ओ एच, तो हम बोलेंगे इसकी भी एच आई ओ फोर से रिएक्शन नहीं होती, लेकिन फिर से किससे रिएक्शन कर लेगा, लेड टेट्रा एसिटेट से, ठीक है। तो इसका और इसका है ना एच आई ओ फोर से रिएक्शन नहीं होता, लेकिन लेड टेट्रा एसिटेट से हो जाता है, ठीक है। तो लेड टेट्रा एसिटेट इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनाएगा, दिस इज एसिटिक एसिड और ये सी ओ ओ एच था, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन इनटू सी ओ टू, समझाने की बात ये है ना। इसके बाद फिर ये पहले लास्ट वाला देख लेते हैं, इसमें ओ एच और एन एच टू है, तो एच आई ओ फोर से इसके रिएक्शन पर कौन सी चीज बोली थी हमने, तो हमने बोला था ये ले जाएगा इसको किसमें ना, दिस बिहेव्स एज व्हाट, कि ओ एच और ओ एच ही हो, एन एच टू जो होता है बदल जाता है किसमें, नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, और लेड टेट्रा एसिटेट इसको किसमें बदलता है, एन एच टू को इट इज इन इमीन, ठीक है। तो यहाँ पर टू मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन जाएंगे और एच आई ओ फोर है तो साथ में एन एच टू जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, क्लियर है। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलेंगे इसमें कौन सी, जो 14th वाला क्वेश्चन है ना, इस 14th वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर सी एच ओ ग्रुप था और नीचे क्या है सारे ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच है, ठीक है। तो कौन सी चीज है, सब पे एडजेसेंट कार्बन पर ये लगा हुआ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उनके बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर जाएगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में, ठीक है। और ये अल्कोहल था ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटकर वो चला गया, दूसरे हिस्से में पांच कार्बन छूट गए, पांच कार्बन में ये वाला जो कार्बन था ये अल्कोहल से किसमें जा चुका, एल्डिहाइड में, ठीक है। अब फिर से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, ये एल्डिहाइड बन चुका था, ये फिर से जाएगा किसमें इनटू फॉर्मिक एसिड, ये हिस्सा अलग हो गया, इस वाले हिस्से में चार कार्बन बचे, ये OH किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन इनटू CHO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार कार्बन, ये वाला कार्बन फिर से एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। और फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके टूटने से ये अल्कोहल किसमें गया, फिर से इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। मतलब ये एल्डिहाइड था तो एसिड में चला गया, ये आ जाएगा किसमें, नाइट्रोजन इनटू एल्डिहाइड, फिर ये क्या होगा, हम बोलेंगे फिर से जाएगा एसिड में, ये आ जाएगा एल्डिहाइड में, ये फिर से जाएगा किसमें, एसिड में, और ये टूट कर अलग हुआ, तो ये एकमात्र कार्बन था जो एल्डिहाइड पर रुक जाएगा। ये जो बीच वाले कार्बन थे इनका क्या हो रहा था, हम बोले थे ऊपर वाले बॉन्ड के टूटने से भी ऑक्सीडेशन और नीचे वाले बॉन्ड के टूटने से भी ऑक्सीडेशन, तो जो बीच वाले कार्बन थे ये दो बार ऑक्सीडाइज हुए, तो पहली बार किसमें जाते हैं ये, एल्डिहाइड, उसके बाद फिर एसिड में, तो टोटली कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 5, इससे 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। और जो लास्ट वाला कार्बन है इसका एक ही बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर है सारी।